हाँ जी, आज नया चेहरा कहाँ से आ गया लाइव दुगुना में। आज आपको दिखाएंगे बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि आज है बहुत स्पेशल मौका। आज जो भी है वो आपको, खैर जो भी स्पेशल मौका है वो तो रवि बताएगा आपको, बट आज आपको दिखाते हैं बिहाइंड द सीन्स चलता क्या है एक्चुअल में, हम कैसे क्या करते हैं, कैसे शूट होता है, और सारे क्रू मेंबर से ही मिलवाते हैं आपको। सबसे पहला क्रू मेंबर जिससे आपको मिलवाएंगे वो ये रहा बड़ी हेलो ये जिसकी आवाज़ें आपको वीडियोस में दिखती हैं, मतलब सुनाई देती हैं। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो पढ़ाई लिखाई चल रही है। वो माय गॉड क्या कर रहा है भाई मैं समझता हूँ नवीन ने आपको लाइव दुगुना में हेलो नहीं कहा होगा, तो मेरे और रवि की तरफ से लाइव दुगुना में आपका हेलो है। ये लाइव दुगुना का तीसरा चौथा अंश है। लाइफ 3 गुना हो गया अब, ये लाइफ 3 गुना हो जाएगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं ये लिख रहा हूँ कि जब हमारा चैनल डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, जब आपको हमारे 1000 सब्सक्राइब आप करा दोगे, तो उसमें से जो हमारे कैमरा मैन का शेयर है वो मैं काटने वाला हूँ। व्हाट इज दिस? इससे राजा वो डिश भी कुछ बना रहा है, मेरे को परेशान मत कर। माय गॉड ये क्या है भाई। ये बन रहे हैं हमारे बर्रा कबाब, मटन बर्रा कबाब। तो मटन चॉप आप देख रहे हो, खाने के लिए रखी, खाने के लिए रखी, अकेले अकेले खाने के लिए रखी। अब बड़ी पीछे जरा इधर उधर शिकार पे निकला हुआ है। आगे की बात करते हैं। अब करना ये है नवीन, हाँ जी, इसके बाद अब हम लोगों को अपनी रेसिपी के बारे में, जो कि हम हमेशा करते हैं, वो बताएंगे। ठीक है, तो जरा जल्दी से लोगों को रेसिपी दिखाओ। ओके। Sometimes a disaster, sometimes we get free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just want to breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive. Stay close to me. I don't want another, I just want to breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. वेल दोस्तों, आई होप आप लोगों को बिहाइंड द सीन में मज़ा आया हो। आप 2 नए क्रू मेंबर से मिले। एक तो हमारा प्यारा बडी जो हमें बहुत मोटिवेट करता है, कभी हमारे पीछे भागता है, कभी हम उसके पीछे भागते हैं, और शो को कैसे लंबा किया जाए उससे बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि आपको अगर आधे घंटे की शूटिंग करनी है तो 1 घंटा 1.5 घंटे तक ऐसे लेके जाओ, कभी बिल्ली के पास, कभी चूहों के पास कभी मोहल्ले वालों के पास। वो पूरा जानता है कि इनको टाइम कैसे इनका बढ़ाना है। बिल्कुल, तो वो एक अलग मोटिवेशन फैक्टर लेके आता है शो के लिए, हमारे लिए। ठीक है, और चौथा क्रू मेंबर है हमारा कैमरामैन नवीन, जिससे आप इससे पहले जिसने ये पूरा का पूरा शो आज स्टार्ट किया, जो कि आप आजकल हमारे सर पे बैठ के ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसे करेंगे करके हमारी ऐसी की तैसी करके रखता है। ठीक है, और डीजे को कैमरामैन कैसे बनाया वो हम जानते हैं। ठीक है, तो खैर एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है लाइव दोगुना। मैं हूं रवि, ये है राहुल। राहुल? बिल्कुल। ठीक है, तो आज आप बीच में एक ये बोतल देख रहे हो, कौन सी बोतल है भाई? प्रोसेका। थोड़ा सा Prosecco, ठीक है। तो जरा थोड़ा बताओ इसके बारे में, Prosecco है क्यों? आज हो चुके हैं शो को 2 साल, है ना? बिल्कुल दोस्तों, हमें 2 साल पहले मुझे इनसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। ये मतलब ये बढ़िया वाला अपना वो काटने के बाद लगे हुए हैं, मतलब कॉपीराइट लेके आने की सोच रखी इन्होंने। बिल्कुल खैर बिल्कुल सही कह रहा है राहुल। आज हमारे शो को हो गए हैं 2 साल, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस हम दोनों को भी, कि हमारी मेहनत और आप लोगों का प्यार आज हमें यहाँ पे आपके सामने बैठाया हुआ है। और हम Prosecco की बोतल के साथ आज ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। इससे पहले ये बोतल खोले, पहले Prosecco के बारे में बताओ है क्या। पहले ये बताओ, ये Prosecco के लोग भी सोच रहे होंगे Prosecco की बोतल, यहाँ पे Prosecco क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने बोतल कुछ और रखी है, तो पहले तुम बताओ। एक्चुअली ये बोतल देख रहे हो आप, ये शैंपेन की तरह बोतल है, बट ये शैंपेन नहीं है, ये है Prosecco। फर्क क्या होता है, शैंपेन होती है जो कि बनती है फ्रांस के एक रीजन में जिसका नाम है शैंपेन। कोई भी स्पार्कलिंग वाइन वहाँ बनेगी उसको शैंपेन बोलते हैं। और अगर उसके अलावा इटली में अगर कोई स्पार्कलिंग वाइन बनती है Prosecco ग्रेप को यूज करके, तो उसका नाम रखा जाता है Prosecco। और ये बस वही है दोनों स्पार्कलिंग वाइन। फर्क इतना है वो थोड़ी सी इंटेंसिव होती है, थोड़ा टेस्ट उसका थोड़ा ज्यादा इंटेंसिव होता है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा महंगी भी होती है। ये थोड़ी सी तरीका इसका अलग है, थोड़ा सा टेस्ट प्रोफाइल इसका अलग है, तो थोड़ा ये ठीक ठाक प्राइस में मिल जाती है। और शैंपेन बहुत पुरानी है और Prosecco उसके बाद में आया है। एग्जैक्टली, शैंपेन आई गेस 1600 समथिंग में थी, 98 के आसपास, और ये आई, ये बनना स्टार्ट हुई 1863 में, 63 में, है ना? इस तरीके से स्टार्ट। तो सोचो 200 साल का फर्क है। और कॉर्पेनो मालवोर्टी वो कंपनी है जिसने फर्स्ट स्पार्कलिंग जो Prosecco थी उसे लॉन्च करा था इटली में। बिल्कुल ये कंपनी 1700 आई गेस, अगर हम यहाँ पे पढ़ें आपको दिख जाएगा, 1757 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। बट जो पहला इसका वेरिएंट 1800 समथिंग में लॉन्च किया था, है ना? तो भाई इससे पहले कि मैं बोतल खोलूं आज, तो जल्दी से उधर से जो कबाब बनाए हैं जरा उठा लो जरा। अब देखो, ये मैं बता दूं, बोतल मैं लेके आया हूँ, कबाब इन्होंने बताए हैं। सर ये करेंगे, वो सब मैं करूंगा आज, ठीक है? हाँ, आज हमने थोड़ी पार्टी चेंज कर ली। तो ले आओ, बिल्कुल ले आओ। तो ये आ गए हमारे बर्रा कबाब, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल बर्र होके आए हैं भाई। हाँ ठीक है। भाई हॉट भी है क्योंकि साइड में चल ही रहा है मामला। बीच में ले आओ। कैसे लग रहा है शक्ल से? प्लेट एकदम बढ़िया सी ना लगाई, बस कबाब निकाल के, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये जो हमारा बीटीएस था ना, ये इसको आप घर पे भी अप्लाई करके आराम से बर्रा कबाब चल रहे हैं, और साइड में ऐसी टेबल लगी हो और उस पर चल रही हो शैंपेन या आपकी पसंद की स्कॉच, मजे लेना। चलो पहले नींबू निचोड़ेंगे भैया। ओहो, आधी साइड में निचोड़ना क्योंकि आधे में ना मैं टेस्ट करना चाहता हूँ विदाउट नींबू कैसा लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा मैं पहले मुंह को ना थोड़ा सा टेस्ट अलग दूंगा आज। क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार ये भी। चीयर्स ब्रो। अंदर तक पक गया है। तो क्या कहना है? चटनी बढ़िया बनी है। पूरा कबाब खाने के बाद कह रहा चटनी बढ़िया बनी है। आज बड़े दिनों चटनी आई हुई है यार। कब से मैं कह रहा था कि ऐसी वाली चटनी चाहिए। भाई कबाब बताओ, बढ़िया पक गया ना अच्छे से। एक्चुअली में लोगों को लगता है नहीं है कि इस तरीके से रख के भी क्या कबाब वाकई में बिना तंदूर के पकाए जा सकते हैं। तो देख लो, पकाए जा सकते हैं, तरीका थोड़ा लेंदी होता है बस। चटनी कोई ही बोल रहा है, चटनी सही कह रहा, बड़े दिन बाद हो गया चटनी से दिल खुश हो गया। अमेजिंग। इसको करो साइड में, जल्दी से थोड़ा सा और खा लूँ मैं। तुम क्या खुद भी खा रहा है। तो चलो, बढ़िया सा चखना हो गया, बढ़िया सी Prosecco हो जाए तो खोलते हैं। तो Prosecco आपको मालूम पड़ गया होगा Prosecco क्या चीज़ है, रवि ने बता दिया है। शैंपेन नहीं है, Prosecco है। बिल्कुल, थोड़ा कंपनी के बारे में बता दो यार। कंपनी के बारे में बताया दो। अच्छा। वैसे इसका नाम है सिंज़ानो, ठीक है। और जैसे कि आपको बताया था 1757 में ये कंपनी हुई थी स्टार्ट। प्रोसेको उसके बाद बनी है, कंपनी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई क्या लग्जरियस फील आ रही है ना भाई। अब देखो ये जो नेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसको खोलना है। 1 2 3 4 5 और 6 6, ठीक है। इसको इस तरीके से खोला जाएगा। ओके, इसको ऐसे पलट देंगे वरना कोई फूट फाट जाएगा। अब बोतल को थोड़ा टेढ़ा करेंगे, थोड़ा सा। अच्छा, इस तरीके से बोतल को। बहुत एक्साइटेड हूं मैं इसके लिए, जल्दी कर दे मेरे भाई। हाँ, ओए क्या साउंड है। मजा आ गया, मजा आ गया। 2 साल मारा को। बिल्कुल भाई। ओहो, अब देखते हैं तो स्पार्कलिंग वाला जो थी ना, वो आता है कि नहीं आता। हाँ, अब वैसे ये जो एकदम से साउंड आया ना और ये प्रेशर आया, इसमें 2 से 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। ओए होए होए होए, करी जाओ करी जाओ करी जाओ। भाई साहब, कैमरामैन ये बबल्स कैप्चर होने चाहिए, नहीं हुए तो हम आपके शेयर करेंगे। I really like it। ये भाई जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना बबल। वैसे आज की पोरिंग कैसी है मेरी भाई? अरे एक नंबर, एक नंबर है ना। तो चलो जरा, 3rd glass किस लिए कर रहा है? कैमरामैन को भी तो देखो। चढ़ गई तो नीचे सुला देंगे, यहीं पे लेटा देंगे, बिस्तर लगा देंगे भाई। तो मैं बता दूं, जो प्रोसेको है इसमें कैलोरीज 91 to 98% होती है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके अंदर तो लगभग 11%, लगभग ABV, ठीक है। तो ज्यादा नहीं दे रहे हैं आज भाई को। ये फुल हेल्दी ड्रिंक मानी जाती है, ठीक ठाक रेट है मतलब। तो ये हमारे कैमरामैन के लिए उठाओ भाई, चेयर्स कर लेते हैं एटलीस्ट, उसके बाद हम लोग आगे की जो कार्रवाई वो करते रहेंगे। तो भाई टू योर चेयर्स। चलो टू योर चेयर्स, टू योर चेयर्स। आपके साथ भी, आपके साथ भी। तो चलिए बातें करते हैं थोड़ा इसके बारे में। उससे पहले एक एक सिप हो जाए भाई। ओह, तो जरा मैंने थोड़ी नोजी हो जाए। बिल्कुल। ओहो। मैं पता है क्या कहूँगा, थोड़ी एप्पली, मतलब कि जो उसमें फ्लेवरिंग आती है ना, मैं बताऊँ वोडका में एप्पल वाली सेम इसकी नोजिंग है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छी फ्रूटी नोजिंग है, थोड़ी अच्छा लग रहा है। उसमें थोड़ी ज्यादा भपका ऐसे लगती है, इसमें एकदम परफेक्ट है, माइल्ड है। हाँ, फील अच्छा, फील जूस वाला जो फील होता है ना, वो जूस वाला फील दे रही है। तो गाइस चीयर्स फॉर 2 इयर्स। प्रोसेको का जो टेस्ट है ना, हल्का सा मेरे को वाइन वाला टच देता है भाई। स्पार्कलिंग वाइन होती है एक्चुअली में, जो व्हाइट वाइन आप लोगे, मैं ये बताने वाला था, हल्का वाइन वाला टच यही होता है। तो ये जो प्रोसेको है, ये एक तरह से वाइन ही है, लिटरली वाइन है। इसमें बस कार्बोनेशन ऐड किया जाता है। बिल्कुल, जो स्पार्कलिंग वाला कार्बोनेशन है वो उसमें ऐड करा हुआ है। जो ये बबल्स उठ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं स्पार्कलिंग। बिल्कुल, ठीक है। ये प्रोसेको हो गई। अब इसके प्रोसेस के बात कर लेते हैं। इसमें 3-4 तरीके के फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ग्रीन एप्पल हो गया आपका, मेलन हो गया, हनी ड्यू मेलन जैसे बोलते हैं, और थोड़ा सा वनीला भी यूज करते हैं ये लोग, आइसक्रीम भी यूज करते हैं, ठीक है। क्रीम वगैरह ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो इस वजह से इसका जो प्रोफाइल है, टेस्ट प्रोफाइल है, थोड़ी सी ड्राई है फॉर माय पैलेट। थोड़ा सा ड्राई लगता है मेरे को ये, क्योंकि जीभ पे टच होके सीधा एज इट इज चली जाती है, लिंगरिंग जैसा कुछ रहता नहीं है। बट एप्पल आपको प्रोमिनेंटली पता चलता है, ठीक है, और बनाना थोड़ा सा पता चल जाएगा। हल्का सा जो खट्टा वाला टेस्ट है ना, सिट्रसी, मेरे को बड़ा पसंद है यार वो। अगर कोई घर पे छोटी मोटी पार्टी है घर पे, और ये एक बजट वाली है आपकी प्रोसेको। हाँ, बजट फ्रेंडली प्रोसेको है ये। आपको मिल जाएगी मार्केट में अराउंड 1900 to 2000 के बीच में आपको मिल जाएगी दिल्ली के अंदर। हरियाणा के अंदर जाएंगे शायद कुछ प्राइजेस का कम हो सके, क्योंकि एल्बम्स वगैरह है। अदर स्टेट का हमें अभी इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम अपने यहाँ से लिया है, हम बता सकते हैं आपको। बात कर, मैं यार मैं ना यही देख रहा हूँ कि यार तू ना सारा चकना खा जाएगा आज उसका एनिवर्सरी का, और तू मेरे नहीं छोड़ेगा। बनाया तो क्या सारा खाएगा, हर बार नहीं मिलता मेरे को। भाई 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 खा लियो पहले बता दे इसके बारे में। चल तो देखो चखना बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई करना ठीक है। इसकी एसिडिटी थोड़ी सी मेरे को ज्यादा लगती है, बिल्कुल ठीक है। और बॉडी तो आपने देखा होगा, बॉडी तो लाइट है, लाइट बॉडी है, ज्यादातर शैंपेन की बॉडी लाइट ही होती है ठीक है। कलर मेरे को बड़ा प्यारा लगा इसका, ऑफ वाइट सा बिल्कुल हल्का सा, मतलब गोल्ड का हल्का सा टेंट है इसमें अगर आप देखोगे, बट बहुत मतलब रिच कलर है मेरे हिसाब से। मैं तो कहूँगा एक बार पोर्ट खोलने करके एक बार पोर्ट मैं भी करूँगा यार, मैं अपने प्रोफेशन से मैं पीछे नहीं जा सकता। डालो डालो, ये पीछे से डकारें आ रही हैं, समझ रहे हो, पीछे चखना पीछे चल रहा है, ड्रिंक पीछे चल रही है। तो देखो वीडियो में भी आगे बहुत कुछ आने वाले हैं हमारे, बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोस आने वाले हैं। फिलहाल तो आज हमारा एनिवर्सरी वीडियो था, अभी हमें बहुत सारा एंजॉयमेंट भी करना है। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियो आपको देखने को मिले। मेरे को लगता है कि सिंजानो का ये पहला ही वीडियो है जो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आ रहा है इंडिया की तरफ से, तो थैंक यू इंडिया। बिल्कुल थैंक यू रवि। बिल्कुल तो देखो एक अच्छी स्पार्कलिंग वाइन है ये ठीक है। अब चाहे इसको प्रोसेको कह लो, और अगर फ्रांस में होती तो शैंपेन कहते, बट एक अच्छी स्पार्कलिंग वाइन है ये, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। दिल्ली में इसका प्राइस आई गेस समवेयर अराउंड 2000 है। हाँ मैंने बताया दिया, अभी समवेयर अराउंड 19,000 रुपीज के बीच में है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है एक अच्छी आपकी वाइन है। आप स्टार्टर स्पार्कलिंग वाइन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। चलते हैं, विदा लेते हैं आज के शो में। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए शो में, एक नए रिव्यू, एक नए चखने, कुछ नई मस्ती के साथ, और होपफुली अपने दो नए क्रू मेंबर्स के साथ भी। तब तक के लिए मेरी और राहुल की तरफ से और लाइव दुगुना की तरफ से चीयर्स।